तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कि ऐसी प्रेम कहानी के ऊपर, यानी कि पति पत्नी के अनोखे रिश्ते बंधन के बारे में। यानी कि राजस्थान के पाली के रहने वाले डॉक्टर सुरेश चौधरी ने यह साबित कर दिया कि पति पत्नी का रिश्ता यानी 7 जन्मों का होता है। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टार्स की दुनिया में, और मैं हूँ आपका भाई करण रावत। तो दोस्तों यार, आप जिस फोटो को स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि ये जोड़ी है पति पत्नी की, डॉक्टर सुरेश चौधरी जो कि पाली के है, और उनकी पत्नी अनिता, जो कि यार दोस्तों अनिता को कोरोना हो गया था, यानी कि पिछले 6 महीनों से वे कोरोना की चपेट में आई हुई थी। और डॉक्टर सुरेश चौधरी ने यह साबित कर दिया कि पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, यानी 7 निभाए जाए तो सब कुछ मुमकिन है। तो दोस्तों आगे बात की जाए तो डॉक्टर सुरेश चौधरी ने उनके इलाज के लिए अपनी पूरी जमीन और अपनी MBBS की डिग्री, अपने सारे पैसे, सारे जितने भी पैसे थे उनके पास थे, अपनी डिग्री वगैरह, यानी कि जो जितना भी उनकी जिंदगी कमाई थी, सारी उनकी पत्नी के ऊपर लगा दी। और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, यानी कि जून 2021 के अंदर कोरोना के अंदर चपेट में आई थी उनकी पत्नी अनिता, जो क्या दोस्तों वहाँ पर उनके 95% डॉक्टर ने मना कर दिया, यानी डॉक्टर और उनके घर वालों ने बिल्कुल आस छोड़ दी थी। यानी कि सभी को लग रहा था कि अब अनिता नहीं बच पाएगी, पर सुरेश चौधरी को ये लगता था कि वे उनके साथ अंतिम सांस तक उनके साथ जुड़े हुए रहेंगे। और साथ में यार दोस्तों सुरेश चौधरी, यानी डॉक्टर सुरेश चौधरी ने कभी भी अनिता का साथ नहीं छोड़ा। वे उनको पाली गाँव यानी खेरवा के रहने वाले थे, उनको अहमदाबाद शिफ्ट किया, क्योंकि यार दोस्तों पाली के अंदर इतनी सुविधाएं नहीं होने के कारण उनको अपनी पत्नी को अहमदाबाद ले गए और वहाँ पर उनका इलाज चालू रखा। यानी कि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया और घर वालों ने भी मना कर दिया कि अब अनिता नहीं बच पाएगी, पर सुरेश ने हार नहीं मानी, वे अनिता के साथ जुड़े रहे। वे बोले कि हमने 7 जन्म साथ रहने का वादा किया है और 7 जन्म के रिश्ते और जो कसम खाई है वो इनको पूरा निभाएंगे। सुरेश का सच्चा प्यार और उसकी मेहनत रंग लाई, यानी कि अनिता बिल्कुल ठीक हो चुकी, यानी कि यार दोस्तों, लेकिन अनिता को ठीक होने के लिए सुरेश ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी MBBS की डिग्री और जितने भी पैसे उन्होंने कमाए, और इसके अलावा 1 करोड़ रुपए उन्होंने बैंक से कर्ज भी ले लिया, यानी कि उन्होंने कर्जा करके अपनी पत्नी को ठीक कराया। तो दोस्तों यार, इस ऐसी प्रेम कहानी, भगवान ने भी अनिता का साथ दिया और सुरेश का साथ दिया, जिसके चलते हुए अनिता ने कोरोना को मात देते हुए जिंदगी से बच पाई, यानी जिंदगी की जंग जीत गई। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सुरेश और अनिता के बारे में आप सभी का क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय राजस्थान।